नक्सवामिका हमारे होम्योपैथिक की एक बहुत असरदार दवा है, और अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं तो आपने नक्सवामिका के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि नक्सवामिका का यूज़ हम बहुत सी कंप्लेंट्स को ठीक करने में करते हैं, और बहुत से जो पेशेंट जो होम्योपैथिक लवर हैं वो अपने घर में नक्सवामिका को एमरजेंसी के तौर पर ज़रूर रखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि नक्सवामिका हम डाइजेशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें देते हैं, और इसको एक डोज में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किन पेशेंट को नक्सवामिका का यूज़ करना चाहिए तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नक्सवामिका आपको कब लेनी चाहिए, कितनी पोटेंसी में लेनी चाहिए, और किस तरह के आपको कंप्लेंट है तब आपको नक्सवामिका का यूज़ करना चाहिए। देखिए, नक्सवामिका का यूज़ हम हेडेक के लिए भी करते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खा लिया, जंक फूड ज़्यादा खा लिया, या ओवर ईटिंग कर ली, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, सिगरेट ज़्यादा ले ली, तम्बाकू ज़्यादा ले लिया, जिसके बाद आपको हेडेक होना शुरू हो गया, तो वो भी आप नक्सवामिका का यूज़ कर सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम नक्सवामिका का यूज़ करते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर दी, या आप पार्टी में गए, रात में आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खा लिया, और सुबह आपका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, आपको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा जलन टाइप की हो रही है, और पेट में ऐसा लग रहा है कुछ वजन टाइप का, मीन्स भारी भारी आपका पेट लग रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रही है, इसका रीज़न आपने पार्टी में ज़्यादा खा लिया या ऑयली स्पाइसी खा लिया। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैंने कल रात में ज़्यादा अल्कोहल ले ली, जिसके बाद मेरा पेट गड़बड़ हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, मीन्स उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम तब से हो गई या गैस की प्रॉब्लम हो गई। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मेरा काम ही ऐसा है कि पार्टी में मुझे जाना ही पड़ता है, और पार्टी में अगर हम गए तो मुझे खाना मीन्स ऑयली स्पाइसी खाना पड़ता है और मेरा पेट खराब हो जाता है। इन दोनों ही पेशेंट को हमने नक्सवामिका की केवल दो डोज दी, आप यकीन मानिए कि नक्सवामिका के दो डोज लेने से ही इन्हें रिलीफ मिल गया, और उसके बाद उन्होंने अपने घर में नक्सवामिका को एमरजेंसी के तौर पे रख लिया। जब भी पार्टी में वो पेशेंट जाते थे तो रात में पार्टी में जाने से पहले एक बार नक्सवामिका ले लेते थे, और उसके बाद उन्हें स्टमक मीन्स डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यदि आपको भी बहुत ज़्यादा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, किसी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, और आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मीन्स आपका पेट तो ख़राब है, आपको खट्टी डकारें भी आ रही हैं, लेकिन तो भी आपको भूख लग रही है, लेकिन खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप हमारी होम्योपैथी की नक्सवामिका ले सकते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट को भी हम नक्सवामिका देते हैं जिनको ज़्यादा खाने के बाद उनके पेट में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो बेल्ट भी नहीं लगा पाते हैं, पेट को टच करने से भी उनको बहुत तेज़ दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इवन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वॉमिट कर देंगे तो उन्हें रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि वॉमिटिंग के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, उनके जो सीने में जलन होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो नक्सवामिका बहुत असरदार दवा है। ओवर ईटिंग के कारण अगर आपके पेट में दर्द है, या आपके पेट में गैस बनी हुई है, खट्टी टिकारें आ रही हैं, तब आप इस दवा को ले सकते हैं। जो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, मीन्स अल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत असरदार है हमारी नक्सवामिका। इसके अलावा नक्सवामिका का यूज़ हम उन पेशेंट में भी करते हैं जो बहुत लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, और इतने लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के कारण उनका जो वाइटल ऑर्गन है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है, ऐसे पेशेंट को भी हम नक्सवामिका देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, या जब वाइटल ऑर्गन पर इफेक्ट डाला हुआ है वो कम होता है, इसलिए हम ऐसे पेशेंट को भी नक्सवामिका देते हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, और इन सब का रीज़न ओवर ईटिंग, ऑयली स्पाइसी फूड, या बहुत ज़्यादा जंक फूड, अल्कोहल ज़्यादा लेना, सिगरेट ज़्यादा पीना, ये रीज़न है, तो आप हमारी होम्योपैथिक की नक्सवामिका ज़रूर लीजिए। यकीन मानिए, आपके केवल एक से दो डोज में ही आपको डाइजेशन से जितनी भी प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड
वो ठीक हो जाती है। नवस्वामिका बहुत पॉपुलर दवा है और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं या आपके नज़दीकी कोई होम्योपैथिक शॉप है वहाँ पे भी आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। नवस्वामिका आपको 30 पोटेंसी में लेना है। रात में सोने से पहले नवस्वामिका को आपको लेना है। आप 4 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आप इसे इमरजेंसी के तौर पे अपने घर में ज़रूर रखें। कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा हैं जिन्हें आपको इमरजेंसी के तौर पे अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। केवल 1-2 डोज लेने से ही इससे आपको रिलीफ मिल जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।